वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, जो कि हम गेहूं के आटे से तैयार करेंगे। तो ये लिया है हमने वॉयल आलू, इनको अच्छे से छील लिया है हमने और इनसे अब हम कचौड़ी तैयार करेंगे। तो इनको अब मैश करेंगे। मैश करके फिर हम इसमें मसाले मिलाएंगे और ये हमने मैश करके एक डो तैयार कर लिया है। ध्यान रहे कि इसमें किसी तरह से लम्स ना पड़े। तो हमारा डो लग के तैयार है और इसमें डालेंगे मसाले। तो हमने लिए हैं ये सारे मसाले। ये है अजवाइन और ये है धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च लिया है, जलजीरा पाउडर और हींग पाउडर। तो ये सारे हमने मसाले ले लिए हैं और ये ले लिया है हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ हमने हरे मिर्च ले लिए हैं। तो इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से हम गूंथ लेंगे। और इसका एक डो लगा के हम तैयार कर लेंगे और इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसमें आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से हम गूंथ के रख लेंगे। तो ये हमने आटा ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमने उसमें मिलाया था पेस्ट में, और थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड डाल लेंगे ताकि हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो खस्ता बने। इसलिए हम ये विशेष ध्यान रखेंगे कि आटे में नमक और रिफाइंड डालना ना भूलें। और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डाल लेंगे। अब इसको हम फटाफट गूंथ लेते हैं। तो हमारा आटे का डो लग के तैयार है पूरी तरह से। अब इसको हम थोड़ी देर, लगभग 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद हम तैयार करेंगे, तब तक हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हम लोइयों को अच्छे से छोटी छोटी कट कर लेंगे। इतने इतने आकार की लोइयां बना लेंगे हम। ये दोस्तों ऐसे, और इनको फटाफट हम ऐसे कर लेंगे। फिर इसको ऐसे इसमें भर लेंगे पेस्ट, और ये हम इसमें अच्छे से भर लेंगे। और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और ऐसे करके
बेलन की आवश्यकता नहीं है और हम ऐसे ही इसको, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है, आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। जल्दी गर्मियों के मौसम में भी ख़राब नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों, बनके मेरी पूरी कचौड़ी तैयार है। इधर भी देखिए कितना अच्छा बना है। और ऐसे ही हम सारी कचौड़ियों को बना के तैयार कर लेंगे, फिर एक साथ ही हम तलते जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी कचौड़ी को फटाफट तैयार कर लेंगे। मेरी दूसरी कचौड़ी भी देखो बन के तैयार है पूरी तरह से, एक साइज की बन रही है सारी। ऐसे ही हम सारी कचौड़ियों को बना के तैयार कर लेंगे। आप कभी भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, आप उनको आटे की बनी खस्ता कचौड़ी खिला सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं दोस्तों। आप इन्हें टमाटो केचप के साथ, चाय के साथ या अपने कहीं सफ़र में जाना है तो आप ऐसे ही इनको तैयार कर। तो दोस्तों, हमारी सारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, एक सारी एक साइज की कचौड़ियाँ बनी हैं। अब इनको हम तेल से फ्राई कर लेते हैं। तो हम अब चढ़ाएंगे फटाफट गैस पे कढ़ाई को। चलिए गैस को ऑन करते हैं। अब इस पे चढ़ाते हैं हम कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे हम रिफाइन ऑयल। गैस को हाई फ्लेम कर देंगे ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए और तेल भी गर्म हो। तेल हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे कचौड़ियों को, स्टार्ट करेंगे डालना। गैस को दोस्तों मीडियम फ्लेम ही रखेंगे और इसे अच्छे से हम चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो दोस्तों, कचौड़ी मेरी, देखिए पहली कचौड़ी मेरी पूरी तरह से अच्छे से पक चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। ऐसे ही हम दूसरी कचौड़ी को भी बना लेंगे। इसको भी हम अब निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारी कचौड़ियों को भून लेंगे। अब हमारी सारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब गैस को भूनेंगे बंद कर हम, और इनको अब सर्व करेंगे हम टमाटो केचप के साथ। दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगेंगी, देखिए कितनी टेस्टी बनी है। तो दोस्तों, हमारी कचौड़ी पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, देखिए। और हमने इनको सर्व किया है ये टमाटो केचप के साथ, और ये हमने ली है गर्मा गर्म चाय। तो हमने चाय के साथ में सर्व किया है।
दोस्तों कचौड़ी का लुक बहुत ही अच्छा आया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे इस पूरे YouTube चैनल पर।